हेलो फ्राइड्स, आज मैंने बनाया है सिंपल फ्राइड राइस। आज बना रहे हैं फ्राइड राइस सिंपल। तो ये राइस, लेफ्ट ओवर राइस को मैंने हाथ से थोड़ा अलग अलग कर दिया है। ये प्याज है, हरी मिर्च है, करी पत्ता है, राई जीरा, ये हल्दी मिर्ची, धनिया, ये सब आधा आधा टीस्पून, हींग चुटकी है, और आधा टीस्पून गरम मसाला, नमक जाएगा स्वादानुसार। और अब इसका लगाते हैं तड़का। आज बना रहे हैं सिंपल फ्राइड राइस, जिसके लिए मैंने तेल लगा दिया है। तेल गर्म हो गया है, अंदर डालेंगे राई जीरा, इसको होने देते हैं क्रैकल। इसके क्रैकल होते ही सबसे पहले डाल देंगे प्याज, करी पत्ता और हरी मिर्च, और इसको लाल होने तक भूनते। ये अपनी प्याज को भूनते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं, ये थोड़ी ब्राउन होने आ गई है। 3-4 मिनट बाद अपनी प्याज भून चुकी है। अब डाल देंगे हल्दी, मिर्ची, धनिया, हींग और नमक भी डाल देंगे इसी टाइम, और इसको अच्छे से कर देते हैं मिक्स। और इसके बाद डाल देते हैं राइस, और इसको भी अच्छे से करते हैं मिक्स। साथ में डाल देंगे ये गरम मसाला, और गैस को कर देते हैं बंद। इसको मिक्स करके बस हो गए रेडी। ये अब अपने बढ़िया से फ्राइड राइस बन के रेडी हो गए हैं, सिंपल बट यम्मी टेस्टी। ये अपने फ्राइड राइस पे गए बढ़िया से फ्रेश धनिया। मेरे वीडियो को इसी तरह से देखने के लिए प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। थैंक यू।